तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आई यू गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है इस नए ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11, हम लोग लेट उठे थे 9 बजे। फिर सुधे कबरू यार, मस्ती के कबरू का पूरा मूड ऑफ हो चुका है। वो मतलब कुछ मस्ती से कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं हमने सोचा लो थोड़ा मस्ती कर ले उसके बाद। एंड अभी जस्ट मेरा भाई हम लोग फ्रेश हुए, अब मैं जा रहा हूँ बाहर ब्रेकफास्ट लेने के लिए, क्योंकि घर मम्मी है नहीं, तो जाते हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए। एंड आज काम भी बहुत सारे हैं, क्योंकि अब सबमिशन से है तो लिखने भी पड़े, कुछ भी पड़ेंगे, तो भी जाते हैं फिर ब्रेकफास्ट करेंगे एंड वीडियो एडिट करके डाल दूँगा शेड्यूल करने के लिए वीडियो एडिट करके डाल दूँगा शेड्यूल पर। और अब से मैं सोच रहा हूँ कि जब तक अभी एग्ज़ाम्स हैं तब तक मैं अल्टरनेट ब्लॉग्स डालूँगा, जितना मेरे से हो सके उतना मैं ट्राई करूँगा डेली ब्लॉग जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर अल्टरनेट डेज में मैं ब्लॉग डालूँगा। तो चलिए अभी तो जाते हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए। अभी बज रहे हैं 12 और अभी जस्ट मैं आया हूँ वीडियो एडिट करके, अभी सभी तो मैं शेड्यूल भी कर दूँगा आके ब्रेकफास्ट करके सीधा मैं एडिट करने बैठ गया था, क्योंकि तो आज काम ज़्यादा है, तो एक काम तो कम्प्लीट हो चुका है वीडियो एडिटिंग का, और दूसरा काम है तो अभी जाते वो भी कम्प्लीट करते हैं। एंड आज से मैं सोच रहा हूँ सबमिशन भी स्टार्ट कर दूँ, और आज ये फ़ोन में मतलब ग्रोइंग करना मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि क्वालिटी एकदम बेस्ट आ रही है, मैंने अभी चेक भी कर लिया। और जाते हैं घबरू देखे बॉल से खेलने के लिए। अभी 5-10 मिनट इसके साथ खेलते, क्योंकि इसका भी बॉल की वजह से इसका मूड आया थोड़ा, वरना ये कब का सो ही रहा था। सो गाइस, अभी जस्ट मैं आया हूँ, मेरा सब कुछ काम कम्प्लीट हो चुका है एंड अब मैं फ्री भी हो गया हूँ। और अभी टाइम हो रहे 2, तो अब घबरू का टाइम हो गया खाना खाने के, तो अब घबरू सो के जस्ट अभी उठा ही है, क्योंकि अभी मेरा भाई बाहर गया है, अभी जाते हैं इसको खाना खिलाते हैं। ये भी खाना खा के फ्रेश हो गया, वापस सो जाएगा, क्योंकि धूप में भी इतना बाहर घूमता नहीं है, और अभी घर पे कोई है भी नहीं, तो ये ज़्यादा कोई मस्ती भी नहीं करेगा, तो अभी जाते हैं जल्दी से वो खाना खिलाते हैं। खाने के लिए देखो कैसे आ गया, इसको पता चल गया इसका टाइम हो चुका खाने का, तो आके मुझे देख रहा है। अब मैं इसको बोलूँगा मेरा तेरा बाउल किधर है, तो जाएगा इसके बाउल की तरफ। तो चलिए इसको खाना खिलाते एंड अपने भी थोड़ा रेस्ट करते, क्योंकि सुबह से काम कर करके बहुत थक गया हूँ, तो चलिए जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे। मॉर्निंग की स्टाइल देखिए, ये भी जस्ट उठा ही है, ओए अभी जैसे मैं बाहर जाऊँगा ये भी आ जाएगा। ये देखो क्या सो रहा है। अभी टाइम हो गया 4:30 और अभी जस्ट मैं उठा ही हूँ, मेरे से मेरा भाई गया था बाहर, तो अभी आया था उसने जैसे डोर खकड़ा है और ऐसे घबरू भाग के आया एंड उतने में भी जग गया, तो बस अभी होऊंगा मैं फ्रेश एंड अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, क्योंकि भूख भी लगी है, तो अभी चलिए जाते फ्रेश होते एंड घबरू को भी मतलब थोड़ा खाने का देते, उसका भी टाइम हो चुका है 4:30 हो चुके हैं, वो भी अभी जस्ट लगता है वो सो के उठा होगा पता नहीं, तो चलिए जाते फ्रेश होते एंड नाश्ता करते एंड सबसे मेन बात वीडियो भी शेड्यूल कर दे, कि अभी तक मैंने की नहीं, सिर्फ एडिट करके रख दी थी, तो वो भी काम कम्प्लीट कर देंगे। फिर मैं अकेला अकेला तो बोर हो चुका हूँ, मेरा काम भी कम्प्लीट हो चुके हैं और घबरू भी सो रहा है, तो मेरा भाई सो रहा है, वो आज में जाके सो गया वापस, अभी शायद तक उठ के आएगा, क्योंकि दरवाज़ा मैंने खोला है, तो देखते क्या होता है। तो ये देखिए क्या वेदर है, और ये घबरू भी आ चुका है मेरे पास, ये देखो कैसे आके मेरे पास बैठ गया ये घबरू, बहुत मम्मी को मिस कर रहा है, और जैसे मम्मी जाती है उसके यहाँ मस्ती करना सब कुछ बंद हो जाता है, पहले से बहुत कम मस्ती करता है, तो अभी देखते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ अभी टाइम पास करूँ, क्योंकि मैं भी अभी अकेला अकेला बोर हो जाऊँ, और फ़ोन यूज़ करते करते भी थक गया हूँ, कितना फ़ोन यूज़ करें, एंड आज क्रिकेट का भी नहीं है, क्योंकि अभी रोज़ का होता तो जैसे 2 घंटे वहाँ चले जाते थे, तो पता नहीं चलता था कि 4 से 6:30 क्या हुआ, और सैटरडे संडे मतलब यही
रहेगा कि क्या करे क्या करे, देखते हैं क्या तक, थोड़ा इसके बाद मस्ती करेंगे और भी उसको भी एंजॉय करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड को लेने के लिए, थोड़ा टाइम पास होगा। और मेरे पीछे ये भी आ गया, इसने जिससे गाड़ी की चाबी देखी थी ये भी भागते भागते आ गया, तो चलिए जाते हैं उसको लेके आते हैं। सो गाइस ये देखिए पता नहीं क्या है, शायद तक रेनबो जैसा कुछ है, मुझे भी कम्प्लीट दिख नहीं रहा है। सो गाइस अभी जस्ट मैं खाना खा के आया हूँ, बाहर गया था और आधे घंटे के लिए बाहर गया था, जितने पूरे कपड़े पूरा रूम की मतलब हालत ख़राब कर दी, और जितना मेरे आज लिखा था वो सब भी इसने फाड़ दी, पूरी बुक की मतलब फाड़ दी उसने, मुझे आप इसे लिखना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं थोड़ा मैनेज करते हैं, मतलब या तो कल सुबह वापस से लिखना पड़ेगा, अभी थक गया हूँ तभी जाते सोने के लिए। सो आज का दिन बस इतना रहा। सो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में आपका बेस्ट पार्ट जो बताना। मिलते हैं कल, आज के लिए गुड नाइट।